हरिवंशी थाना अंतर्गत जिला अस्पताल में होली के दिन घायल पुलिस कर्मियों का इमरजेंसी में इलाज कराने के दौरान चिकित्सक से नोकझोंक, हाथापाई व सराय लखनसी थाना की पुलिस द्वारा डॉक्टर रुपेश राय का अपहरण किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मुनिराज जी ने प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकार पंकज सिंह को सौंप दिया है। क्षेत्राधिकार ने जांच शुरू कर दिया है। नहीं, ऐसा कोई बदसलूकी की बात नहीं थी, एक सिपाही इंजर्ड हो गया था तो कुछ लोग आए थे, थोड़ी उसमें एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी तो एम्बुलेंस को लेके थोड़ी कुछ हल्की फुल्की बात हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं। आई हैव टॉक्ड टू द डॉक्टर साहब, सीमा सर मेरे साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो काफ़ी सारे लोग मौजूद थे, किसने किया क्या, कौन कौन कहाँ था, क्योंकि मैं देखा था उस समय एम्बुलेंस नहीं थी, काफ़ी देर था, छुट्टी का दिन भी था, चूँकि होली का दिन भी था, लेकिन ऐसी कोई बात अभी फिलहाल नहीं बताई गई है। कि अगर मैं देखता हूँ, बैठे बैठे देखता हूँ, अगर ऐसी कोई बात वास्तव में प्रकाश में आती है तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। उधर चिकित्सकों ने भी आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है। जाँच की जद में लगभग एक दर्जन पुलिस कर्मी व दरोगा शामिल है। जो घटना हुई है, डॉक्टर रुपेश राय का पुलिस ने जबरदस्ती एम्बुलेंस में बैठाया है और उनके जो है कार्य में बाधा डाला, जो सरकारी कार्य संपादन कर रहे थे, सीरियस मरीजों का देख रहे थे, उसी बीच पुलिस के लोग जो है जबरदस्ती उनको एम्बुलेंस में बैठा कर खुरहट तक ले गए हैं। तो ये बहुत अपहरण का केस बनता है इस पर, और हम डॉक्टरों इसे आप माहौल में काम नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग पुलिस अधीक्षक से मिलने जा रहे हैं और अपने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से मिल के अपना आक्रोश व्यक्त किए हैं कि अब OPD बंद रहेगी और कल नोटिस दिया जाएगा, नहीं तो इमरजेंसी सेवाएं भी जिले की बंद कर दी जाएगी। इससे पहले भी डॉक्टरों के ऊपर मामले आए हैं और कार्रवाइयां सफल रहती हैं, फिर एक बार घटना हुई है, तो किस तरह कार्रवाई चाहते हैं आप? ये तो पुलिस की गैर जिम्मेदारी है, उनको सब खुद रक्षा की भक्षक हो जाए तो डॉक्टर कैसे कार्य करेंगे, ऐसी परिस्थितियों में हम लोग कार्य करना संभव नहीं हो पा रहा है। पीड़ित जिला अस्पताल के चिकित्सक रूपेश राय ने मंगलवार की देर शाम थाना में तहरीर दे दिया है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाई है। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। दोनों बॉडी हम तुरंत अपने सामने उठी हैं, कैब लेके जाइए, जो अदस्ती मेरा हाथ और अंदर किए हैं एम्बुलेंस में और गाली गलौज किए हैं, और फिर एम्बुलेंस वाले ले जाके हमको पता कहाँ छोड़ दिया है, फिर वहाँ से आया हूँ। तो क्या आप इस घटना से बिल्कुल डर गए हैं पुलिस वालों के? अरे हम डर क्या है, एकदम काम करेंगे, एकदम काम नहीं करेंगे। आज दिन बुधवार को सभी डॉक्टरों की एक बैठक होगी जिसमें आंदोलन की एक रणनीति बनाई जाएगी। पेश है मऊ से हमारे संवाददाता आसिफ रिजवी की एक रिपोर्ट। मिनट के बाद सीओसीटी को सिटी मजिस्ट्रेट ने बुलाया और डॉक्टर रुपेश की राय के द्वारा कुछ बातें हुई कि इसको मामले को आज हम लोग इमरजेंसी के लिए देख लें, और हमारे जो है सीओसीटी ने ये भी बताया कि मैं जो भी कर्मचारी हैं, जो भी पुलिसकर्मी थे, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और इसके बाद हम लोगों ने अपने चिकित्सीय कार्य को जारी रखा, उसमें कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न हुआ है। लेकिन आज 14 तारीख की सुबह को हमारे PMS संभर के चिकित्सक और IMA के चिकित्सक कुछ मेरे साथ बैठक किए हैं, मुझे एक प्रतिवेदन दिया गया है, कापी उसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय को, पुलिस महोदय को, मुख्य शिक्षाधिकारी महोदय को, PMS संभर के मंत्री को, अध्यक्ष को एवं IMA के अध्यक्ष को दिया गया है कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए, अन्यथा जो है अगर फिर हम लोग किसी सुरक्षा व्यवस्था के न रहते हुए हमारे इमरजेंसी मेडिकल अफसरों ने कहा कि OTP करने में असमर्थ होंगे।